ही गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका, और आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले इन्वायरमेंट की लेसन, जो कि हमारी शंकर आईएएस एकेडमी की बुक से हो रही है। तो इसमें हम लोग पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं, और लास्ट लेसन हम लोग यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम को देखे थे। तो यहाँ पे मैं आपको कंटेंट दिखा देती हूँ, जिससे कि आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए कि हमें और कितना ज़्यादा कितनी लेसन्स बाकी है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में मैंने बेसिक यहाँ पे कवर करी थी, रेस्ट ऑफ द टॉपिक को मैं आज यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग देख सकते हो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में, एस्चुरी इकोसिस्टम, मैंग्रोव इकोसिस्टम, कोरल रीफ है, कोरल ब्रीचिंग है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, उसके बाद हम लोग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी चलेंगे, फिर उसके बाद हमारे रिन्यूएबल एनर्जी, एंड देन हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज, एंड यहाँ पे फिर हमारी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इतनी टॉपिक बची है, जिसको भी मैं जल्दी से यहाँ पे कंप्लीट करा देती हूँ, और बाकी जितनी भी पार्ट है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो पूरी लेसन देखने के लिए आपको मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, और प्ले लिस्ट में आकर आप लोग आराम से स्टार्टिंग से देख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वेटलैंड इकोसिस्टम से। इससे पहले यहाँ तक हम लोग ने कल कंप्लीट कर रखा था, तो प्लीज़ आप लोग पहले के लेसन ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि फिर आप लोग पहले की नहीं देखते और फिर आप लोग को लगता है कि मैंने कहीं बीच से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो ये हमारी एक सीरीज़ के थ्रू चलते जाती है, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे परेशान मत होइए, आराम से स्टार्टिंग से सारे लेसन देखिए, आप लोग की कोई भी टॉपिक यहाँ पर मिस नहीं होगी। तो आते हैं वेटलैंड के बारे में। तो वेटलैंड कौन सी एरिया कहते हैं, यानी कि किसे हम लोग वेटलैंड कह रहे हैं? तो वेटलैंड हम लोग वो ही एरिया कह रहे हैं जो कि इंटरमीडिएट होती है, यानी कि डीप वाटर और जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है ना, इसके बीच में भी एक एरिया होता है, यानी कि एकदम डीप वाली वाटर, यानी कि बिल्कुल भी अंदर जाके जो वाटर होती है और हमारी जो लैंड वाली पोर्शन होती है, इसके बीच में भी कोई आपकी एरिया होती है जो कि हमारे नेचर में काफ़ी ट्रांजिशनल होती है, और ये इन्हीं में लोकेट होती है। तो ये जो हैबिटेट है ना, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि पीरियोडिक फ्लडिंग होती है, यानी कि एडजेसेंट डीप वाटर हैबिटेट से, और यहाँ पे प्लांट और एनिमल को भी स्पेशली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है कि वो यहाँ पे रह पाते हैं। साथ ही इसमें आपको देखने को मिलेगा कि लेक रिथोरल भी है, यानी कि मार्जिनल एरिया है हमारे हाईएस्ट और लोएस्ट जो वाटर लेवल है उनके बीच में। फ्लड प्लेन है, यानी कि यहाँ पे आपको रिवर चैनल के भी अगल बगल देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसा एरिया कहने का मतलब है कि जहाँ पे आपको कुछ पानी वगैरह भी देखने को मिले, पीट लैंड भी हो, वाटर भी हो, जहाँ पे नेचुरल या आर्टिफिशियल, परमानेंट या फिर टेम्प्रेरी वाटर के साथ एक स्टैटिक या फिर फ्लोइंग वाटर भी हो, साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है कुछ मैराइन स्पीसीज भी हो जो कि उस वाटर में रहते हो, तो इसको हम लोग जो है यहाँ पे वेटलैंड कह रहे हैं। सिंपली कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि यहाँ पे आपको चारों ओर से पानी होना चाहिए, वाटर लॉक्ड सॉइल हो, एटलीस्ट 7 डेज जो है वहाँ पे वाटर तो होनी ही चाहिए, साथ ही यहाँ पे प्लांट लाइफ भी हो, और साथ ही साथ हाइड्रिक सॉइल भी हो, यानी कि मिट्टी वगैरह भी हो। तो यहाँ पे वेटलैंड को क्लासीफाई किया गया है, दो तरीके के वेटलैंड होते हैं, एक इनलैंड होते हैं, एक कोस्टल वेटलैंड होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि वेटलैंड ऐसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब हमारे यहाँ जो है 10 रामसर साइट्स को इंक्लूड किया गया है। तो रामसर साइट्स में जितने भी वेटलैंड इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमारे कंट्री से 10 रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया है, जो भी यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट वेटलैंड एरिया है। तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों को डिटेल पता होना चाहिए। इनलैंड वाटर वेटलैंड की बात करें तो यहाँ पे नेचुरल होते हैं और मैनमेड होते हैं। तो नेचुरल वेटलैंड क्या है, जैसे कि आप लोग झील, पॉन्ड्स वगैरह देखते हो, ऑक्सबो यहाँ पे लेक देखते हो, या फिर वाटर लॉक्ड होता है जहाँ पे पानी भरी हुई होती है, सीजनल है, या फिर स्वैम्प है, मार्शेस है। मैनमेड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे रिजर्वायर है, टैंक है, वाटर लॉक्ड है, या फिर ऐश पॉन्ड है। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको दो तरीके से देखने को मिलेगा, या तो नेचुरल वेटलैंड है या तो मैनमेड वेटलैंड है। वहीं ये मैनमेड का देख लीजिए, रिजर्वायर है, टैंक है, वाटर लॉक्ड है और ऐश पॉन्ड है। वहीं अगर कोस्टल वेटलैंड की बात करें तो इसमें भी क्या होता है कि यहाँ पे आपका नेचुरल और मैनमेड होता है। कोस्टल वेटलैंड कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग ये देखते हो, एक सेकंड, ये हमारी यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया और ये ईस्टर्न इंडिया हो गई, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये पूरी तरीके से यहाँ पे आपको जो है बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, ये अरेबियन सी है। तो यहाँ पे हमारी कोस्टल वाली रीजन होती है, तो यहाँ पे जो वेटलैंड होती है उसको हम लोग कोस्टल वेटलैंड कहते हैं। और इनलैंड वेटलैंड कहने का मतलब है कि टेरिस्टोरियल एरिया, जहाँ पे भी आप लोग ज़मीन वगैरह देखते हो, वहीं पे अगर बीच में कहीं पर भी आपको वाटर के सराउंडिंग्स दिखे, कुछ स्पेशीज दिखे, तो वो सारी एरिया को हम लोग इनलैंड वाटर वेटलैंड कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग कोस्टलैंड वेटलैंड देखें तो ये नेचुरल तरीके का भी होता है, और कुछ यहाँ पर हमारे द्वारा यानी कि मैनमेड के द्वारा बनाई हुई भी होती है। मैनमेड के द्वारा अगर हम लोग बनाए तो सॉल्ट पेन्स बनाते, यानी कि सॉल्ट पेन, जहाँ पे आप लोगों को पता है कि जहाँ पे ज़्यादा पानी होती है तो वहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, यानी कि अगर हीट की मात्रा ज़्यादा है तो उससे फिर एवापोरेशन होता है, देन यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, एक्वाकल्चर है। तो ये दो है जहाँ पे आपका वेटलैंड देखने को मिलेगा। नेचुरल तरीके से आप लोग देखोगे कि एस्चुरी है, लगून है, क्रीक है, बैक वाटर है, बे है, कोरल रीफ है, टाइडल फ्लैट है, मैंग्रोव्स है, सॉल्ट मार्शेस है। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको कोस्टल वेटलैंड में देखने को मिलता है, तो एक एक करके हम लोग इसको भी आगे स्टडी करने वाले हैं। अब देखते हैं कि वेटलैंड को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है और इसकी क्या फंक्शंस है।
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्वेटिक जितने भी फ्लोरा फौना है, यानी कि जो पानी में रहने वाले जो जानवर और जो आपके पेड़ पौधे, उनके लिए हैबिटाट है, वो वेटलैंड में ही रहते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्पेशीज है बर्ड्स के भी जो कि यहाँ पे आपके वेटलैंड में रहना पसंद करते हैं। माइग्रेटरी बर्ड है, कहने का मतलब है कि जो दूसरे कंट्री से उड़ के सीजन के बेसिस पे वो लोग जो उड़ के दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आते हैं, तो उनको भी यहाँ पे वेटलैंड में रहना पसंद है। तो इसलिए वेटलैंड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप लोग देखोगे कि ये फिल्ट्रेशन होती है, यानी कि यहाँ पे जो भी सेडिमेंट्स है और न्यूट्रिशन है, इसको यहाँ पे सरफेस वाटर से कहीं ना कहीं यहाँ पे फिल्ट्रेट भी किया जाता है। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग है, यानी कि न्यूट्रिशन की जो मात्रा है हमारे एटमॉस्फेयर में, साथ ही साथ सॉइल में, तो ये आपका रिसाइकिल होते रहता है। वाटर प्योरिफिकेशन है, इस जगह पे आपका वाटर प्योरिफिकेशन भी होती है। फ्लड मिटिगेशन है, यानी कि जो वेटलैंड है तो उसमें क्या होता है ना कि जब भी ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होती है तो वेटलैंड में जाकर आपकी जम जाती है, और तो वेटलैंड क्या होती है कि फ्लड होने से बचाती है। अगर वेटलैंड नहीं हो तो ईजिली जो है फ्लड आपकी आ सकती है, धरती पर जो है पानी पूरा जम सकता है, लेकिन वेटलैंड होने से ये आपकी जो है पानी की जो एक्युमुलेशन है उसको ये रोकती है, और ये वेटलैंड में ही जाकर पानी बच जाती है। साथ ही हमारी जो स्ट्रीम फ्लो है उसको भी मेंटेन रखती है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, कहीं भी अगर पानी की आपको देखने को मिलेगा बॉन्ड्स लेक्स है, तो इससे क्या होता है कि वो पानी जो है ग्राउंड वाटर में भी जाते हैं, तो ग्राउंड वाटर की लेवल जो हमारी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है तो वो भी यहाँ पर रिचार्ज होती है। साथ ही ड्रिंकिंग वाटर, फिश फॉडर, फ्यूल, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे लोकल कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड भी की जाती है। रेट ऑफ जो रन ऑफ हो जाता है, यानी कि वाटर और जो भी सॉइल और जो हमारी जो सॉइल फर्टिलिटी वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो उसको भी होल्ड करके रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमारे लोकल क्लाइमेट जो है उसको भी स्टेबलाइज करके रखती है। लोकल जो वहाँ के पीपल्स होते हैं, यानी कि वेटलैंड के चारों ओर जो लोग रहते हैं, उनके लाइवलीहुड का भी सोर्सेज होता है। जेनेटिक रिजर्वायर देखने को मिलेगा, बहुत सारे स्पीसीज ऑफ प्लांट की जेनेटिक रिजर्वायर है, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी को भी ये सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी फंक्शंस है हमारे वेटलैंड की, जिसके कारण वेटलैंड को हम लोग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब आते हैं कि डिप्लीशन का रीज़न क्या है, यानी कि ये डिप्लीट क्यों हो रही है आज के डेट में, इतना ज़्यादा बर्बाद क्यों हो रहा है वेटलैंड के लिए, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग को एक स्पेशल कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन पे ध्यान देना पड़ रहा है। तो सबसे पहला है कि यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि जो भी लैंड है, आप लोग देखते हो कि ज़मीन जो भी हमारी खुली बची रहती है उसको एग्रीकल्चर के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन है जो कि एग्रीकल्चर में इंगेज है। तो इसलिए हमारे कंट्री में ये एग्रीकल्चर के लिए पर्पज़ के लिए ये यूज़ हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो जितने भी जानवर वगैरह है जो कि हर्बी वॉर्स है, तो वो इतना चर जाते हैं। साथ ही सैंड का जो है बेड से रिमूवल हो रहा है, एक्वा कल्चर हो रही है, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन है, डिफॉरेस्टेशन है, यानी कि पेड़ों की ज़रूरत से ज़्यादा कटाई हो रही है, और जितने भी स्पीसीज है उनके रहने की जगह डिस्ट्रक्ट हो रही है। पोल्यूशन है, जिसके कारण हमारी वेटलैंड भी गंदी हो रही है। डोमेस्टिक वेस्ट है, बहुत सारे ऐसे अगल बगल के लोग होते हैं जो कि अपना कचरा जो है वो वेटलैंड में ही फेंक देते हैं। एग्रीकल्चर रन ऑफ है, साथ ही इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट भी है, अगर अगल बगल इंडस्ट्री है तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। क्लाइमेट चेंज है, जिसके कारण क्या नहीं बर्बाद हो रहा है, तो यहाँ पे हमारी वेटलैंड कैसे बच सकती है। अब इसकी मिटिगेशन स्ट्रैटेजी देखें तो यहाँ पे सर्वे किया जाता है, डिमार्केशन किया जाता है, फिर जितने भी हमारे नेचुरल जो रीजनरेशन है उनको प्रोटेक्ट करना है, आर्टिफिशियल रीजनरेट किया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से भी जो स्पेशीज़ है और जो वेटलैंड है, आपको पता है वेटलैंड जो है आर्टिफिशियल वेटलैंड भी होती है, तो आर्टिफिशियल वेटलैंड भी रिक्रिएट किया जाता है, जस्ट बिकॉज कि हमारा इन्वायरमेंट एक बैलेंस तरीके से रहे, हमारी क्लाइमेट जो है बेटर तरीके से ये रहे, तो जो टेम्परेचर है उसका भी तापमान टेम्परेचर जो है वो भी बैलेंस तरीके से रहे। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक आर्टिफिशियल रीजनरेशन किया जाता है, प्रोटेक्टिव कुछ मेजर्स ली जाती है, डिफॉरेस्टेशन जहाँ पे जितना ज़्यादा हो चुका है तो उसको बचाने के लिए एफॉरेस्टेशन लगाई जाती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ रोपण किया जाता है, वीड कंट्रोल किया जाता है, यानी कि जितने भी कीटनाशक जो कीड़े मकोड़े लगते हैं उससे कंट्रोल किया जाता है, सॉइल को कंजर्व करने की मेजर्स ली जाती है, वाइल्ड लाइफ कंजर्व किया जाता है, और साथ ही जितने भी इंक्रोचमेंट है उसको रिमूवल करने की प्रोसेस दिखाई जाती है। साथ ही यहाँ पे यूट्रोफिकेशन जो एबेटमेंट है वो भी किया जाता है, यानी कि जो यहाँ पे हमारी वाटर में जो ऑक्सीजन की मात्रा जो कम हो जाती है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रोविजन लिया जाता है। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की ज़रूरत है, जैसे कि कोई बहुत सारे लोग हैं जो कि डोमेस्टिक वेस्टेस फेंक देते हैं वेटलैंड में, तो उन लोगों को पता नहीं होता है कि ये वेटलैंड हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है, सो इसलिए वो करते हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरीके के पॉन्ड्स लेक्स जो है वो कचड़े से ना भरे, इवन प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो प्लास्टिक से ही हम लोग देखते हैं कि सारी
जितने भी लेक्स और पॉन्ड्स होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा, वेटलैंड में देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज़ क्या है कि अनअवेयरनेस की वजह से है। तो आप लोग अगर मेरे लेसन सुन रहे हो, आप लोग ये सारी चीज़ें जानते हो, तो अपने घर में भी लोगों को बताने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे घर के ही अपने लोग होते हैं जो कि इस तरीके का काम करते हैं और हमें नहीं पता होता है। तो लोगों को अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स वाई जो है ये सारी चीज़ें आप लोग को समझना चाहिए। अब डिस्टिंक्शन देखते हैं कि लेक से कैसे ये अलग है। ऑल्दो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उन्होंने ये क्लियर डिस्टिंक्शन अडॉप्ट नहीं करी है कि लेक्स और वेटलैंड में क्या अलग अलग है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम है उन्होंने यहाँ पे लेक को कंसीडर किया है कि एक स्टैंडिंग वाटर बॉडी है, क्योंकि आप लोग झील में भी देखते हो कि वाटर बॉडीज़ जो है वो स्टैंड रहते हैं। वहीं अगर देखें तो मिनिमम वाटर डेप्थ जो है वो 3 मीटर तक का ही होता है, और जनरली यहाँ पे वाटर जो है पूरी तरीके से मोर देन 10 हेक्टेयर्स तक यहाँ पे कवर होती है, और यहाँ पे या तो बहुत ही कम एक्वेटिक वेजिटेशन होती है या तो नहीं भी होती है। तो ये जो वाटर बॉडीज़ है ये आपका जो है प्राइमरली वाटर सप्लाई को ड्रिंक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इरीगेशन के लिए और रिक्रिएशन के लिए। तो जो एक्सेसिव ग्रोथ होता है मैक्रोफाइट्स का, मैक्रोफाइट्स कहने का मतलब है कि जो सबमर्स्ड हो जाते हैं और फ्री फ्लोटिंग जो यहाँ पे आपका स्पीसीज़ है वो जनरली यहाँ पे वेटलैंड में प्रेजेंट होते हैं, वाटर क्वालिटी को बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं और इंटरफेयर करते हैं जो भी हमारे वाटर बॉडी की यूटिलाइजेशन होती है। तो वेटलैंड, ये तो बात रही लेक्स की। वहीं अगर हम लोग बात करें वेटलैंड के बारे में बात करें तो वेटलैंड भी जनरली यहाँ पे 3 मीटर डेप्थ से आपका लेस होता है। यूजुअली यहाँ पे न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पे एक्वेटिक मैक्रोफाइट्स की भी जो ग्रोथ है यानी कि एक्वेटिक जो स्पीशीज़ है, फ्लोरा फौना है, उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपकी अच्छी तरीके से होती है। हाई डेंसिटी को ये सपोर्ट करती है, डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग तरीके के फौना होते हैं यानी कि अलग अलग तरीके के यहाँ पर आपकी स्पीसीज़ होते हैं, बर्ड्स है, फिश है, मैक्रो इनवर्टिब्रेट्स है। साथ ही साथ यहाँ पर हाई वैल्यू आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है जो कि यहाँ पे लेक्स और जो हमारी वेटलैंड है ना उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। एक मेजर डिफरेंस नहीं है कि आप कह सकते हो कि हाँ यही लेक है या फिर यहाँ यही आपका वेटलैंड है, तो इस तरीके का कहीं भी आपका डिफाइन नहीं है। अब यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है लेक्स और वेटलैंड को लेकर, तो ओरिजिन कहाँ है, तो लेक्स का जो ओरिजिन है वो बहुत जगहों से देखने को मिलेगा, बहुत सारा प्रोसेस है। वहीं वेटलैंड की अगर हम लोग ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पे जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है यानी कि किसी भी तरीके से ये बन जाती है, यानी कि हमारे नेचुरल तरीके से बन जाती है। कोई भी जैसे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती है या फिर वोल्केनो आता है, वोल्केनो नहीं अर्थक्वेक आती है या फिर किसी भी तरीके से ये बन जाती है। जैसे आप लोग को पता है कि रिवर भी अगर चलती है और उससे जो ऑक्सबो निकल जाता है इस तरीके से, तो वहाँ पर भी आपको वेटलैंड देखने को मिलेगा। तो इसका जो मॉर्फिक प्रोसेस ही है जिसके थ्रू यहाँ पर वेटलैंड का क्रिएशन होता है। अब यहाँ पर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वाटर टर्नओवर। तो यहाँ पर आपका जो लेक्स है उसमें परमानेंट होते हैं, लेकिन वेटलैंड में जो वाटर है वो परमानेंट भी है और टेम्प्रेरी भी होते हैं। वाटर लेवल चेंजेस देखें तो लेक्स में बहुत कम होते हैं लेकिन वेटलैंड में बहुत ज़्यादा होते हैं। लिथोरल की बात करें तो यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ बहुत ज़्यादा है। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें तो लेक्स में है लेकिन वेटलैंड में नहीं है। वर्टिकल मिक्सिंग की बात करें तो थर्मली रेगुलेट होती है लेक में, लेकिन यहाँ पे आपका जो है विंग्ड रेगुलेटेड होते हैं वेटलैंड में। तो ये कुछ यहाँ पे आपकी देखने को मिलेगा कि कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे कंपैरिजन देख पाओगे। प्रोडक्टिविटी अगर हम लोग लेक में देखें तो बहुत कम है, लेकिन वहीं अगर हम लोग वेटलैंड में देखें तो बहुत ज़्यादा है। बायोडाइवर्सिटी भी लेक्स में कम है लेकिन हमारी जो है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो इसलिए हमारी बायोडाइवर्सिटी भी वेटलैंड में ज़्यादा है। साथ ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज देखें तो यहाँ पे हमारा लो से हाई है वेटलैंड में, लेकिन लेक्स में बहुत कम है। वेस्ट ट्रीटमेंट देखें तो यहाँ पे लेक में नहीं होता, लेकिन हाँ वेटलैंड में हमारी वेस्ट ट्रीटमेंट होती है। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूट्रोफिकेशन जो है उसको कंट्रोल किया जाता है, हाई जो वाटर क्वालिटी है उसके लिए। साथ ही यहाँ पर आपका जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की जाती है एक स्पेसिफिक फंक्शन से यहाँ पर। तो ये एक मेन आपको देखने को मिलेगा डिफरेंस। अब देखते हैं इंडिया की वेटलैंड के बारे में। तो वेटलैंड जो है वो एक क्रिटिकल इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का एरिया है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है, बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है, हमें जो है स्टॉर्म से, फ्लड से, ये सारी चीज़ों से बचाती है, हमारी वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, फूड सप्लाई करती है, फाइबर, रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें सप्लाई करती है। इंडिया में आप देखोगे तो 27,403 वेटलैंड है, जिसमें कि 23,000 जो है इनलैंड वेटलैंड है यानी कि टेरेस्ट्रियल एरिया में, और 3,959 जो है ये कोस्टल वेटलैंड है। तो वेटलैंड जो है टोटल यहाँ पे 18% हमारी कंट्री के एरिया को ऑक्यूपाई करती है, जो कि पैडी कल्टीवेशन के अंदर 70% तक है। नेचुरल वेटलैंड की बात करें इंडिया में तो ये हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड जो हिमालय रीजन में देखने को मिलेगा, फ्लड प्लेन है जो कि मेजर रिवर सिस्टम में है, सैलाइन और टेम्प्रेरी वेटलैंड है जो कि एरिड और सेमी एरिड रीजन में, कोस्टल वेटलैंड है जैसे कि लगून हो गई और यहाँ पे बैक वाटर्स हो गई, और साथ ही साथ एस्चुरी है, मैंग्रोव्स है, स्वैम्प है, कोरल रीफ्स है। तो ये सारी हमारी कोस्टल वेटलैंड हो गई।
अब देखते हैं कि जो नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम ये है क्या, इसको 1985 में इंप्लीमेंट किया गया था और इस प्रोग्राम के अंदर 115 वेटलैंड को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसको ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्वेशन और प्रोटेक्ट करें। इसका एम है कि हमारे यहाँ जितने भी यहाँ पे वेटलैंड है उसको कंजर्व करना है, जिसके थ्रू जो बाद में आने वाले जो डिग्रेडेशन है उनका, जो यहाँ पर बर्बादी होने वाला है उससे हम लोग को बचाना है, और लोकल कम्युनिटीज़ को किसी भी तरीके का अगर बेनिफिट होता है तो वो उनको यहाँ पर पहुँचाना है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस रखनी है कि जिसके थ्रू वेटलैंड को हमारे कंट्री में मैनेज कर सके, उसको कंजर्व कर सके, फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है और साथ ही साथ यहाँ पे इंटेंसिव कंजर्वेशन मेजर्स लेना है जितने भी आइडेंटिफाइड वेटलैंड हैं। साथ ही अगर आप लोग देखोगे तो एक सेकेंड, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवरऑल कोऑर्डिनेशन का, कि वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम को साथ ही साथ इनिशिएटिव को जो कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे है, यहाँ पे कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करना है। फिनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो अपने स्टेट में जो भी वेटलैंड है उसको यहाँ पर आपका जो है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। तो यही सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ कुछ क्राइटेरिया रखा गया है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, यानी कि ऐसे वेटलैंड जो कि हमारे पूरे कैपिटल के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ क्राइटेरिया रखा गया। अगर इसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव रेयर या फिर यूनिक हमारे नेचुरल या फिर नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप हैं तो उसको हम लोग रख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देखेंगे तो अगर यहाँ पे कुछ वल्नरेबल इंडेंजर्ड या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड या फिर थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ को अगर ये सपोर्ट कर रही है तो उसको हम लोग वेटलैंड कहेंगे। साथ ही यहाँ पे अगर वो सपोर्ट कर रही है पॉपुलेशन जो कि प्लांट की है, एनिमल स्पीसीज़ की है, जो कि हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेनटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पर्टिकुलर बायोजियोग्राफिक रीजन में, तो उसको यहाँ पर नेशनल इंपॉर्टेंस के तर्ज पर रखेंगे। और अगर ये प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ को कोई भी क्रिटिकल स्टेज में है उनके लाइफ साइकिल में, और साथ ही एक रिफ्यूजी प्रोवाइड किया जा रहा है उनके एडवर्स कंडीशन में, तो भी उनको हम लोग यहाँ पर नेशनल इंपॉर्टेंस के तर्ज पे रखेंगे। स्पेसिफिक क्राइटेरिया देखें तो अगर ये रेगुलरली सपोर्ट करी है 20,000 या फिर इससे ज़्यादा वाटर बर्ड्स को, या फिर रेगुलरली ये सपोर्ट करी है 1% ऑफ द इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन जो कि वन स्पीसीज में है, और सब स्पीसीज जो कि वाटर बर्ड्स में है। कुछ और अगर हम लोग क्राइटेरिया देखें जो कि फ़िश के बेसिस में, अगर ये सपोर्ट करी है एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन जो कि हमारे यहाँ के फ़िश सब स्पीसीज़ में है, स्पीसीज़ और फैमिली में है, लाइफ हिस्ट्री स्टेजेस में है, स्पीसीज़ इंटरेक्शन में है, तो यहाँ पे दिया जाएगा उनको वेटलैंड समझा जाएगा कि वो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए। साथ ही अगर ये वेटलैंड हमारे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है जो कि फ़िशेज़ के लिए है, स्पॉनिंग ग्राउंड है, नर्सरी है, मिटिगेशन है, सॉरी माइग्रेशन पाथ है किसी भी फिश स्टॉक का, तो फिर हम लोग इस तरीके के वेटलैंड को नेशनल इंपॉर्टेंस के तर्ज पे जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। और अगर ये इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ फूड और वाटर रिसोर्सेज के लिए, जिसके थ्रू जो रिक्रिएशन और इको टूरिज्म की जो पॉसिबिलिटीज़ है अगर वो यहाँ पर बढ़ती है, सीनिक वैल्यू यहाँ पर बढ़ता है यानी कि ब्यूटीफुल सीन्स वगैरह हो, एडुकेशन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बढ़ रही है, और साथ ही साथ हमारे कल्चर हेरिटेज को कंजर्व कर रही है, तो भी इस तरीके के वेटलैंड को हम लोग नेशनल इंपॉर्टेंस के बेसिस पे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरी कहानी तो है अब तक हम लोग जो पढ़े वो वेटलैंड के बारे में, तो पूरी डिटेल में यहाँ पे बताया गया है, काफ़ी अच्छी आर्टिकल है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके, अब देखते हैं कि ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है क्या, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है क्या, इसके बारे में बस आपको पता होना चाहिए कि एक तरीके का प्रिंसिपल टूल है जो कि रामसर कन्वेंशन के अंदर रखा गया है। इसमें जितने भी वेटलैंड साइट्स हैं उसको यहाँ पे वेटलैंड जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है उसकी लिस्ट यहाँ पे रजिस्टर की जाती है, यानी कि जैसे अभी हम लोग नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए देखें कि हमारे कंट्री के लिए कौन सी ऐसी वेटलैंड है जिसको कंजर्व करना ज़रूरी है, तो वो हमारे कंट्री के इंपॉर्टेंस के तर्ज पर हम लोग उसको बेसिस कैटेगराइज़ किए। उसी तरीके से इंटरनेशनल वेटलैंड भी है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में है, तो उसकी लिस्ट कैसे तैयार करना है, उसको कहाँ रजिस्टर करना है, तो उस तरीके के वेटलैंड को रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे एक रिकॉर्ड बनाया गया जिसको हम लोग मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड कहते हैं। ये हाईलाइट करती है वो सारे साइट्स जहाँ पे एडवर्स चेंजेस हो रहा है, यानी कि पहले तो ठीक थे, अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रही है, इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंजेस देखने को मिल रही है, तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ओके, अब मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में हम लोग देख लेते हैं ये कौन कौन सी साइट है इंडिया से। तो सबसे पहले उड़ीसा की जो चिल्का लेक है उसको यहाँ पर रखा गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत हो रही थी। उसके बाद लोकटक लेक को रखा गया, लोकटक लेक हमारी मणिपुर की है, इसको 1993 में इंक्लूड किया गया। कियोलाडो नेशनल पार्क है जो कि राजस्थान की है, तो उसको यहाँ पर रखा गया क्योंकि वाटर शॉर्टेज हो रहा था, अनबैलेंस्ड हो रहा था, तो ये तीन हैं जिसको कि यहाँ पे रखा गया है। ओके, उसके बाद नेकनामपुर आपका लेक है जो कि हैदराबाद का है, तो ये लार्जेस्ट फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड है हमारे कंट्री में, तो फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड जो है वो यहाँ पे आपका, इसको भी इसके अंदर रखा गया। तो ये सारी ये है इतनी हमारी इंडिया से जिसको कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा गया, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं और देखते हैं एस्चुरी इकोसिस्टम।
एस्चुरी जो लोकेटेड होती है जहाँ पे दो रिवर अगर मीट कर रही है तो उसको हम लोग जो है एस्चुरी कहते हैं, यानी कि रिवर और सी। जैसे कि ये हमारे वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है। यहाँ पे आप लोग को पता है कि वेस्टर्न घाट में बहुत ही कम रिवर जो है ये आपके अरेबियन सी से जाके मिलती है। यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स है जो कि हमारे यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से मिलती है, तो गोदावरी, नर्मदा, सॉरी नर्मदा इधर है, गोदावरी, कावेरी जो है ये सब यहाँ पर आपके आगे गिरती है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो ये जो यहाँ पर आती है, यानी कि वो जगह जहाँ पर आपकी गोदावरी और जो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है जहाँ पे भी वो मीट कर रही है तो उसको हम लोग कहते हैं इस्चुरी, जहाँ पे ये लोग मिल रहे हैं। तो इस्चुरी जो है वाटर बॉडीज़ है जहाँ पे आपका फ्रेश वाटर फ्लो होता है रिवर से और फिर जो यहाँ पे आपका जो है सॉल्ट वाटर में वो आपका ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये मे बी ये टाइड से होता होगा या ओशन से होता होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है ये जब यहाँ पर सी और ओशन मिलते हैं तो उसको हम लोग इस्चुरी कहते हैं। अब कुछ यहाँ पे कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इस्चुरी जो है ना या तो एक बार या तो दो बार डेली वॉश्ड होता है सी वाटर से। तो सारे यहाँ पे जो एस्चुरी है एक सेमी इंक्लोज्ड कोस्टल बॉडी है वाटर की, जिसमें कि एक या फिर एक से ज़्यादा यहाँ पे रिवर और स्ट्रीम है जो कि इसमें फ्लो करते हैं। इसमें फ्री कनेक्शन है ओपन सीज के साथ। यहाँ पे कंप्लीट सैलिनिटी रेंज है 0 से 35 PPT। साथ ही एस्चुरी में आप देखोगे तो बहुत ही लिटिल वेव एक्शन होता है और यहाँ पर एक काल्म रिफ्यूजी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है ओपन सी से। ये मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन है जहाँ पे आपका हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट को फ्रेश और मैराइन वाटर से रिसीव किया जाता है। एस्चुरी जो है ये मोस्ट हेविली पॉपुलेटेड एरिया है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिसमें कि 60% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो यहाँ पे एस्चुरी में और कोस्ट में रहती है। ओके तो ये सारी चीज़ें। और साथ ही अगर हम लोग देखें एस्चुरी का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बहुत सारी एस्चुरी है जिसको कि यहाँ पे फोर जियोमॉर्फिक कैटेगरी में यहाँ पे आपका डिवाइड किया गया, जैसे कि राइजिंग सी लेवल, साथ ही यहाँ पे मूवमेंट है सैंड और सैंड बार का, ग्लेशियर यहाँ पे प्रोसेस है या फिर टेक्टोनिक प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ों से भी आपका एस्चुरी का फॉर्मेशन होता है। तो एस्चुरी टिपिकली यहाँ पे जो है आपका क्लासिफाई किया गया है जियोमॉर्फिक फीचर्स से और साथ ही साथ वाटर सर्कुलेशन पैटर्न से। ओके तो जैसे कि आपका बे हो गया, हार्बर्स हो गया, लगूनस हो गया, इनलेट्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें। तो जहाँ पे एस्चुरी जो चैनल है जहाँ पे फॉर्म होता है एक फेवर्ड लोकेशंस फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, तो इसको हम लोग जो है एस्चुरी जो एस्चुरी का यूज़ होता है वो फिशिंग के लिए होता है, कॉमर्स के लिए होता है, बट आज के डेट में यहाँ पे डंपिंग सिविक और इंडस्ट्रियल वेस्टेज के लिए होता है, यानी कि यहाँ पे कचड़े वगैरह फेंकने के लिए हो रही है। पहले क्या था कि यहाँ पे फिशिंग और कॉमर्स वगैरह होती थी, लेकिन आज के डेट में वो नहीं हो रही है। तो एस्चुरीज क्या है कि यूजुअली आपको देखने को मिलेगा कि बायोलॉजिकली हाईली प्रोडक्टिव जोन होती है और यहाँ पे मोर इंपॉर्टेंट क्या है कि सस्पेंडेड मड को यहाँ पे ट्रैप किया जाता है, सैंड को भी, जो कि रिवर्स के साथ जितने भी सैंड वगैरह कैरियड होते हैं तो वो यहीं पे आते हैं, जिसके कारण आपको एस्चुरी में देखने को मिलेगा ना कि यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन होता है। डेल्टा फॉर्मेशन कहने का मतलब है कि जो रिवर फ्लो होती है, फ्लो होकर जो है रिवर अपने साथ कुछ ना कुछ बालू, मिट्टी और ईंट, पत्थर, ये सारी चीज़ें लेकर आती है। तो वो जहाँ पर आपका कलेक्ट हो जाता है चारों जगह से आगे, तो वो एक डेल्टा फॉर्मेशन हो जाता है। एक हेल्दी एस्चुरी की बात की जा रही है, तो हेल्दी एस्चुरी जो है ना ये सपोर्ट करती है हमारे प्लांट और एनिमल के होस्ट को। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल किया जाता है, स्टोर किया जाता है। एक बफर क्रिएट होता है जो कि कोस्टल कैचमेंट के बीच में और मैराइन इन्वायरमेंट के बीच में। साथ ही एस्चुरी की बात करें तो यहाँ पे डाइवर्स हैबिटाट है जो कि सपोर्ट होती है, जैसे कि मैंग्रोव्स है, साल्ट मार्शेस है, सी ग्रासेस है, मड फ्लैट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग हेल्दी एस्चुरी भी कहते हैं। तो एस्चुरी क्या है कि एक आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इनका इम्पैक्ट है। लाइफ अगर हम लोग एस्चुरी में देखें तो कुछ सर्टेन टाइप की ही प्लांट और एनिमल होती है जो कि इस तरीके के जगहों पर ये सर्वाइव कर पाती है। अब बेनिफिट देखें अगर हम लोग एस्चुरी इकोसिस्टम का, तो सबसे पहला है कि इन्वायरमेंटल बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वाटर क्वालिटी रेगुलेशन है, ग्राउंड वाटर यहाँ पे रिचार्ज होती है, बहुत सारे स्पीसीज यहाँ पे हैबिटाट है, रहते हैं, और नर्सरी ग्राउंड है प्लांट और एनिमल के लिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है, सोशल बेनिफिट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि कम्युनिटी वैल्यू है, इंडिजिनस वैल्यू है, रिक्रिएशन वैल्यू है, नॉलेज है, इकोनॉमिक बेनिफिट है, कमर्शियल फिशिंग है, पोर्ट्स एंड हार्बर है, नेविगेशन, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, हर एक तरीके से ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंडिया के एस्चुराइन इकोसिस्टम की आप बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कंट्री में आप देखोगे तो 14 मेजर और 44 मीडियम और 162 माइनर रिवर ड्रेन है, जो कि ये आपका सी में ड्रेन होती है, वो भी बहुत सारे एस्चुरी में, क्योंकि आपको पता है कि हमारी सदर्न इंडिया जो है पूरी तरीके से ये आपकी ओशन से घिरी हुई है। यहाँ पर आपका जो है अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, साथ ही आप यहाँ पे साउथ में देखोगे तो इंडियन ओशन है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि बहुत लार्ज पैमाने पे हमारे यहाँ जो है एस्चुरी का फॉर्मेशन होता है। एस्चुरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डिस्टिंक कंपोनेंट है हमारे कोस्टल लैंडस्केप की, जिसमें कि हाई कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ये बे ऑफ बंगाल में है और बहुत सारे एस्चुरीज जो है ना ये आपको कुछ मेजर सी पोर्ट्स में भी देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द जो इंडिया की मेजर एस्चुरी है वो ईस्ट कोस्ट में ही है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी रिवर्स जो है यहीं से आपका बे ऑफ बंगाल में मिलती है। आपको वेस्ट साइड में देखोगे तो नर्मदा ही है जो कि एक
एक मेजर रिवर है जो कि यहाँ पे मिलती है। ओके, तो बहुत सारा जो इस्टुरी फॉर्म होता है इंडिया में वो ईस्ट कोस्ट में होता है, वेस्ट कोस्ट में बहुत कम होता है। तो इंडिया की अगर हम लोग इस्टुराइन जो इकोसिस्टम है उसमें क्या क्या इशू है अगर हम लोग वो देखें, तो सबसे पहला है कि वाटर फ्लो की, वाटर फ्लो में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है, या तो जरूरत से ज़्यादा होता है या तो कभी कभी बहुत कम होता है, जैसे हुगली नर्मदा या फिर आपका कृष्णा गोदावरी पुलिकट है। वहीं अगर हम लोग बात करें पॉल्यूशन और वाटर क्वालिटी की, तो पॉल्यूशन आप लोग को देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा है, साथ ही इंडस्ट्री से पॉल्यूशन है, कंबाइंड सिटी सीवेजेस है, तो इन सारी चीज़ों से भी हमारी जो हिस्ट्री है उसमें पॉल्यूटेड होती जा रही है। रिक्रिएशन और टूरिज्म की बात करें तो यहाँ पर रिक्रिएशनल बोटिंग है, यानी कि यहाँ पर आपका हुगली में देखने को मिलेगा, चिल्का उड़ीसा में, फिशिंग अगर आप देखोगे तो चिल्का लेक में होती है, नेविगेशन की बात करें तो हुगली में होती है, पोर्ट्स और शिपिंग भी है, और साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि लैंड यूज़ भी बहुत हो रहा है, हमारे अर्बन और रूरल सेटलमेंट यहाँ पे आपकी एक्सपेंड हो रही है, जिसके कारण जो हमारी यहाँ पे एस्चुरी में जो है एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि हुगली रिवर में, कृष्णा रिवर में भी यहाँ पे आपका जो है सेटलमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, मैरिनास, और फिर आप लोग देखोगे कि लैंड रिक्लेमेशन और कुछ और स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन रहे हैं हुगली और पुलिकट में, एग्रीकल्चर भी बहुत हो रहा है, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ हो रही है, डंपिंग हो रहा है सॉलिड वेस्ट का, जिसके कारण जो है ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, कमर्शियल फिशिंग और एक्वा कल्चर भी है, यानी कि यहाँ पर आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है जितने भी टारगेटेड फिश स्टॉक है, क्योंकि हमारी डिमांड बहुत बढ़ रही है, साथ ही साथ हम लोग जो माइग्रेटरी रूट्स है बर्ड्स का उसको हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हो रही है। क्लाइमेट चेंज है, इसको कैसे भूल सकते हैं, हमारी क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारा चेंज देखने को मिल रहा है, बायोडाइवर्सिटी प्रोफाइल चेंज हो रही है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखें एस्चुरी के बारे में, साथ ही वेटलैंड के बारे में, तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं, कल हम लोग देखेंगे मैंग्रोव्स के बारे में। ओके, तो मैंग्रोव्स के बारे में, कोरल रीफ के बारे में, अभी बहुत कुछ है जो कि आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पढ़ना चाहिए, साथ ही साथ इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन जो है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में ज़रूर आती है। एक बच्चे पूछ रहे थे कि इन्वायरमेंट की कैसी तैयारी करें और इन्वायरमेंट में जो है प्रीलिम्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी अगर आप लोग दोनों मिला के चलोगे तो नहीं तो आपको 30+ क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा हर साल, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि इन्वायरमेंट में और ज्योग्राफी में अपना फोकस बना के रखिए, क्योंकि अगर इसको आप लोग छोड़िएगा तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है एक मेजर पोर्शन आप लोग लैक कर जाओगे प्रीलिम्स में। ओके, तो इससे आप लोग कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं इस बुक को यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, और बुक से पढ़ाती हूँ इसलिए जस्ट बिकॉज कि आपकी जो है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट हो, आपको ऐसा लगे कि हाँ आपके पास अगर बुक नहीं है, आपने बुक नहीं पढ़ रखी है, तो यहाँ पे आपका अच्छे से बुक पढ़ाई हो जाता है। ओके, तो मैं इसलिए बुक को ही फॉलो करती हूँ, नहीं तो पीपीटी बना के भी मैं आराम से पढ़ा सकती हूँ, लेकिन आपके कनेक्टिविटी के लिए मैं यहाँ पे बुक स्टैंडर्ड बुक को यहाँ पे फॉलो करती हूँ। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं, अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और फिर भी कोई डाउट क्वेरी सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।